ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਡੇਰੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਮਸਕਾਰ ਦੋਸਤੋ, ਦਾ ਫੈਕਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਆਪਕਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਰਮਨ ਇਨਸਾ ਜੀ ਹੈ जिनके साथ बातचीत करेंगे कि उनका क्या कहना है डेरा सच्चा सौदा व्यसन रखो गुरमीत राम रेम सिंह चिंसा के लिए। रमन जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। रमन जी, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी क्वालिफिकेशन दी ग्रेजुएशन है जी। कितने समय से आप डेरा सच्चा सौदा संस्था को जानते हैं? मैनू काफ़ी टाइम हो गया, आई थिंक 7-8 ईयर हो गए। कैसा माहौल लगता है आपको बीइंग गर्ल, कैसा महसूस करते हो आश्रम में? बहुत ही ज़्यादा वधिया माहौल है इत्थे दा। ते कदे भी तुहानू एवें दा लग्गिया होवे जिवें मीडिया से दिखाया जा रहा सी? एदां दा तां कुछ नहीं हैगा दी, कहण नूं तां कुछ मर्जी कह लो, क्योंकि जरूरी नहीं हुंदा हैगा वी जो अपनी अखां दे सामने होवे। कई बारी अखीं देखिया ते कन्नी सुनिया भी गल झूठी हो जांदी है, ते जिहड़ी एक्चुअली गल हुंदी है उह अपने सामने नहीं आउंदी हैगी। इसलिए इदा सुन के या देख के इदा का वो नहीं करना चाहिए हैगा भी हाँ भी ये गल सही हुई है भी इतने गलत होंगे या इदा होंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मैनू भी इतने आने को। मैनू तो कदम लग्या नहीं है भी इतने इदा का कुछ भी हैगा है, बल्कि जदों का इतने आन लगे हैं तो ही दुनियादारी की समझ आने लगी है, क्योंकि हरेक इंसान है जो वो दो पहलू होंदे आ, सिक्के दे जिद्दां दो पहलू होंदे आ उदां ही इंसान कोई इदां नहीं हुंदा हैगा वी कोई चंगा है या माड़ा है। तां इंसान चंगा भी है, उहदे विच चंगियाई भी है ते बुराई भी है, पर इत्थे सिखाया जांदा है वी इंसान दे गुण देखो, सामने वाले इंसान दे गुण देखो ते उहनां गुणां नूं धारण करो तुसीं, क्योंकि जदों आपां जो कुछ भी दूसरे इंसान दे देखदे आ विच देखदे आ ना, तां उह अपने विच भी आउंदा है। तां बैटर दैट भी आपां किसे दे अवगुण देखण नालों गुण देखिए ते आपां उहदे गुण अपनी झोली पाईए। ते कोई भी इंसान परफेक्ट तो हुंदा नहीं हैगा, पर फिर भी कोशिश तो करनी चाहिए है। डॉक्टर गुरमीत राम रेम सिंह जिंसा के बारे थोड़ा की कहना है, वो किस तरह के लगते हैं तुम्हें, किवें दा नेचर लगता है? संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा, उन्होंने लई इस दुनिया के कोई शब्द ही नहीं बनया हैगा, मतलब भी जिहड़ा उन्होंने जिहड़े उन्होंने एक्सप्लेन किया जा सके जिस शब्द के नाल। मेरे अकॉर्डिंग इदा का कोई भी शब्द नहीं है जिहड़ा उन्होंने एक्सप्लेन कर सकता, क्योंकि हर युग के परमात्मा आता है तो वह भी किसी ना किसी रूप के आता है। तो हुण हैगा ही कलयुग है, इसलिए जिदा दे इंसान ने उन्होंने जिस भाषा के समझ आता है वह उदा का समझाते हैं। तो इस तरह सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने तो उन्होंने गुरु बना के, क्योंकि वो पूर्ण गुरु ने, ये कोई शक है ही नहीं। इसलिए जो मतलब इतने डेरे का हुण सिस्टम होया है भी थोड़े टाइम तो भी वह चले गए, तो पर इत्थे आके कोई इन्ना फर्क नहीं पिया हैगा। मनन नूं जे आपां मन्नीए तां परमात्मा सब दे अंदर विराजमान है, इसलिए भी उह डेरे विच है नहीं, इत्थों आना जाना बंद कर दिए उहदे तां कोई सवाल ही पैदा नहीं हुंदा हैगा। इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब जी विच भी लिखा होया भी परमात्मा जिहड़ा है उह कण कण दे विच विराजमान है, कण कण मतलब यह संसार दे विच जिन्ने भी जो जो भी चीज़ा ने, चाहे उन्हां विच साह हैगे आ, चाहे वह सजीव आ चाहे निर्जीव आ, पर हर एक चीज़ दे विच परमात्मा दा वासा है। उसे तरह इंसान दे विच भी परमात्मा दा वासा है। तो सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी उसे रूहानीयत दी रूहानीयत दी शिक्षा दिंदे आ वी जिहड़े उन्हां ते दूसरी तरफ एलीगेशनस लगाए गए उस बारे की कहोगे तुसी समाज में? एलीगेशन दा तां देखो दी, एलीगेशन बारे तां जदों आपां ने कुछ देखिया नहीं हैगा, अपने नाल इदां दा होया नहीं हैगा, जो किसी तो सुनिया नहीं हैगा, तां उदों सुनी सुनाई गल ते विश्वास करना तां बनदा नहीं हैगा। ते इह कलयुग आ, कलयुग दे विच जदों मतलब उहदा प्रकोप ही इन्ना ज़्यादा हुंदा है वी इत्थे तां भाई भाई पैसे पिछे लड़दा है, उहदा फिर भी परमात्मा ने, ते
डेरे का तो पत यह है भी शाह मस्ताना जी महाराज के बचन ने भी हर भी पूरे संसार के जोड़ा डेरा सच्चा सौदा का नाम जोड़ा है वह गूंजा जाऊगा। तो हूँ करना किदा है तो किदा करवाना है वह तो मालक न आप ही पता है ना। तुम समाज में की दसना चाहोगे उन्होंने आरोप समाज में तो यही कहना चाहवागे कि जरूरी नहीं हुंदा हैगा भी जो अखा देखन ते कन सुनन वो सही हो हुंदा है। इसलिए तुसी जो भी मनदे आ भी हाँ ये आरोप सच्चे आ वो इत्थे आओ खुद देखो भी इत्थे की चीज़ हैगी है की सही है ते की गलत है। जे फिर भी इत्थे आउण तो बाद भी उन्हां लगदा भी आ चीज़ इत्थे गलत है फिर हो सकदा भी हाँ इदां कोई अगला कहे, पर जिन्ना तक आपां खुद उस चीज़ की पड़ताल ना कर लिए उस तो भी उस चीज़ ते यकीन नहीं करना चाहिए। कि अज जरूरत है संत जी दी समाज में? हाँ जी बहुत ज़्यादा जरूरत है क्योंकि क्योंकि जिदा उन्होंने 135 मानवता भलाई के कार्ज आरंभ किए हुए चल तो हूँ भी रहे हैं पर हूँ वह इतने है नहीं, इसलिए थोड़ा उस भी मुश्किल भी आ जाती है दूसरे को समझाने के है ना। क्योंकि जो संत महापुरख ने या परमात्मा है वो उन्होंने अपनी भाषा के समझाना है तो उन्होंने समझाने का तरीका ही वक्रा हों। इसलिए ये संसार के सारों सही रास्ते से चलाने लिए उन्होंने वापस इतने आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो असी तो यही कहेंगे कि उन्होंने जल्दी तो जल्दी जड़ा है वापस इतने डेरे भेजा जा जाए ता कि जेड़े वो अपने मानवता के भलाई कार्ज कर रहे हैं वो इदा ही करन ते बाकी संगत तो भी ते बाकी सारे सृष्टि तो भी करवांदे रहे। की मांग करोगे सरकार? सरकार तो यही मांग है भी जिदा हुण इह जिहड़े केस की सुनवाई वह अगे अगे पाई जा रहे उन्होंने इदा नहीं पाना चाहिए हैगा क्योंकि जिथों तक मैनू लगता है भी शायद पता तो उन्होंने भी है पर हो सकता भी वह जान के पेंडिंग पा रहे होण। जी बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार पब्लिक की अपील है कि इंसाफ मिलना चाहिए, सच सामने आना चाहिए। आपकी क्या राय है जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट आई बहुत।